नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बद्दुआएं कैसे असर करती हैं? आज मैं आपको ये बड़े ही ढंग से बताऊंगा। मेरा ऑफिस जहां है वहां पर एक प्रसिद्ध शहर का चौराहा है और उस चौराहे पर भिखारी और हिजड़े भीख मांगते रहते हैं। क्योंकि मेरा वहां पर रोज का आना जाना है इसलिए मुझे सब लोग वहां पर जानते हैं और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं भीख में पैसे नहीं देता बल्कि खाने के लिए ब्रेड या फ्रूट्स कुछ भी दे देता हूँ। इसलिए ज्यादातर लोग मेरे पास आने से कतराते हैं क्योंकि भिखारियों को ज्यादातर पैसा चाहिए। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वो आपसे दूर ही रहेंगे क्योंकि मुझे ऑफिस जाने के लिए इस चौराहे से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद कुछ भिखारी या कुछ हिजड़े मेरी गाड़ी को नोक कर ही देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि मेरी गाड़ी को एक हिजड़े ने नोक किया। मैंने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने गाली देना शुरू कर दिया और गाली भी इतनी मजेदार कि आप सुन नहीं सकते। अब उसने मुझे बद्दुआ दी कि जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरा गाड़ी में पंचर हो जाएगा। और मैं उस चौराहे से आगे की चौराहे पर पहुंचा तभी मेरी गाड़ी का पंचर हो गया। ये तो गनीमत थी, ईश्वर का आशीर्वाद था कि पंचर वाला वही चौराहे पर था। मैंने अपनी गाड़ी साइड लगाई और पंचर वाले से पंचर छुड़वाया। अब मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि बद्दुआएं कैसे असर करती हैं। ना जाने वो हिजड़ा कितने लोगों को बद्दुआ देता होगा और बद्दुआ देने के साथ उसकी बद्दुआ लग रही थी। मैं 5 मिनट भी उसकी बद्दुआ को सहन नहीं कर पाया और मेरी गाड़ी में पंचर हो गया। दोस्तों जीवन में बद्दुआएं ऐसे ही असर करती हैं। जिसको जो चाहिए वो उसी से खुश होगा। आप उसे बिस्किट दें, आप उसे ब्रेड दें, आप उसे फ्रूट्स दें, उसमें उसका कोई लगाव कोई चाह नहीं होगी, बस उन्हें तो पैसे चाहिए। इस दुनिया में दुआएं तो कम असर करती हैं लेकिन बद्दुआएं बड़ी तेजी से असर करती हैं। जो मेरे साथ हुआ उससे तो मेरा यकीन और पक्का हो गया है। बद्दुआएं तो इन लोगों की जवान की नोक पर रखी होती हैं, इसलिए इनकी नियति ऐसी है। ये भिखारी बनकर जीवन जी लेते हैं और ना जाने बद्दुआ देकर कितने लोगों को परेशान कर देते हैं। बद्दुआएं जीवन में ऐसे असर करती हैं। बस मेरा आपको यही समझाने का प्रयास था। कभी किसी की बद्दुआ मत लीजिए लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को बद्दुआ देनी है बद्दुआ देंगे। आप दिल से उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। उन्हें आपकी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। आप खाने के लिए कुछ दे रहे हैं या उनके काम की कोई चीज देना चाहते हैं, वो उसे लेना स्वीकार नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सिर्फ पैसा लेना। इसका क्या अभिप्राय है ये मेरी समझ से बाहर है। आपकी समझ में आए तो मुझे भी बताने की कृपा कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।